हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ एक स्वीट डिश शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है गाजर का हलवा, जो कि कुछ ही मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए समय बिना बर्बाद किए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 700 ग्राम गाजर को अच्छी तरह से धो के पीसेस में काट करके प्रेशर कुकर में आधे ग्लास पानी में बॉईल कर लिया है। आप गाजर को ग्रेट करके भी गाजर का हलवा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में है और जल्दी से गाजर का हलवा बनाना है तो ये बॉईल करके बहुत ही जल्दी बनता है। तो इसे मैंने बॉईल कर लिया है, अब इसे मैं मैश करूंगी। इसे अच्छी तरह से हम लोग मैश कर लेंगे। मैंने इसे बॉईल किया लेकिन इसके पानी को भी मैं यूज कर रही हूँ, पानी को भी मैंने फेंका नहीं है इस तरह से। अब धीरे स्मैश कर लीजिए, बहुत ही जल्दी स्मैश हो जाता है क्योंकि गाजर हमारा बॉइल्ड है। अभी हमारा गाजर अच्छी तरह से स्मैश हो चुका है, तो चलिए अब इसे अपना हम गाजर का हलवा बनाते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है। अब मैं अपने गैस को ऑन करूंगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। याद रखेंगे हलवा बनाने के लिए हम लोग सिर्फ घी का ही यूज करेंगे, रिफाइन ऑयल का यूज ना करें गाजर का हलवा बनाने के लिए। अब ये घी हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश और बादाम लिया है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो भी ले सकते हैं। अब मैं अपने इस ड्राई फ्रूट्स को पहले इस घी में थोड़ा सा फ्राई करूंगी, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए घी में हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, हम लोग अपने गैस के फ्लेम को मीडियम आंच करेंगे। अब मैं स्मैश किए हुए गाजर को अब इसमें हम लोग डालेंगे। गैस के फ्लेम को हाई करेंगे। अब मैश किए हुए गाजर को हम लोग धीरे धीरे इस तरह से भूनेंगे। इसमें जितनी भी पानी है वो पानी अच्छी तरह से आएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनता है। देखिए अब हमारा गाजर का हलवा में जितना भी पानी था वो अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून चीनी लिया है, स्वाद के अनुसार अपना चीनी ले सकते हैं। तो आप मीठा खाते हो थोड़े से मिलाएंगे चीनी को, बहुत ही अच्छी खुशबू है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मलाई के साथ दूध। अब इसको हम थोड़े देर के लिए भूनेंगे और 2 मिनट के बाद अब हम इसमें फिर से डालेंगे 1 और कप दूध। मतलब इसमें हम टोटल 2 कप दूध डालेंगे। दूध में अगर मलाई है तो और भी बहुत अच्छा है। हलवे को धीरे धीरे चलाते हुए भूनेंगे। अब हमारा दूध भी अच्छी तरह से सूख चुका है। ये ध्यान रखिएगा कि गाजर का हलवा को हमेशा चलाते रहेंगे, तभी वो पूरी तरह से वो भुनाएगा। ये हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें फिर से डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अभी हमारा गाजर का हलवा पूरी तरह से रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हमारा गाजर का हलवा रेडी है। इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जरूर बना के खिलाइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए।